दिस इज नरेंद्र ठाकुर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ करियर कंपेरिंग। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनीष सर, जो डायरेक्टर हैं करियर कंपेरिंग इंस्टीट्यूट में और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कंप्यूटर डिपार्टमेंट को लेकर। तो हम जानेंगे मनीष सर से कि किस तरह से इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, राइट। ये तमाम बातों को हम लोग समझेंगे और वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। करियर कंपेरिंग में और करियर कंपेरिंग इस चैनल में, तो आप शुरुआत कीजिए अपने अंदाज में। यस, सो सबसे पहले थैंक यू सर। आप सभी को मालूम होगा कि एजुकेशन जो है सही समय पे और सही टाइम पर और सही तरीके से अगर किसी को दे दी जाए तो डेफिनेटली उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। हमारा मेन विजन यही है और मिशन भी यही है कि हम एवरी यूथ को, जितने भी हमारे यूथ हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है और जिनके साथ हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं या हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं बच्चे, उन सभी के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारे सभी स्टाफ मेंबर इतनी मेहनत करते हैं कि उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इट मीन्स 21st सेंचुरी टूल एंड टेक्नोलॉजी पर सबसे इफेक्टिव वे में हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं। तो ये एक मेन मोटिव है हमारा उन सभी टीचर्स, उन सभी स्टूडेंट्स और उन सभी प्रोफेशनल पर्सन के साथ जो आज के समय में अपनी लाइफ में कोविड के बाद, सर आप लोगों, आपको तो पता ही होगा कि कोविड के बाद बहुत सारे चैलेंजेस हमारे मार्केट में हमें फेस होने को मिले हैं। बट डेफिनेटली क्योंकि कोविड में अगर हम लोग 21st स्टूडेंट टेक्नोलॉजी पर अगर अपग्रेडेड होते तो ये किसी को भी कोई चैलेंज नहीं फेस होता। और इसकी वजह से जितने लोगों की जॉब गई है हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बट वो चाहकर के भी वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। इसी सॉल्यूशन को देखते हुए हम सभी लोगों के लिए, सभी यूथ के लिए अपने इस एजुकेशन सिस्टम को इतना डेवलप कर चुके हैं और उन सभी को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिनका बेनिफिट उनको आज और बहुत बड़े लेवल पर मिल रहा है। तो आप करियर कंपेरिंग इंस्टीट्यूट में आपका रोल और आपका गोल क्या है यहाँ पर? Yes, basically, मैं जो अभी यहाँ पर सभी स्टाफ मेंबर्स और इवन स्टूडेंट्स को भी मैं यहाँ पर स्किल्स कर रहा हूँ, और इसके अंदर सबसे मेन मोटिव हमारा यही होता है जिसमें हम लोग कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को टाइमली, हम लोग बहुत सारी रिसर्च करते हैं, हम अपने स्टाफ्स को रिसर्च पर लगाते हैं, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी होती है उनके ऊपर रिसर्च करके हम लोग बच्चों तक वो नॉलेज शेयर करते हैं। Okay. तो अभी लर्निंग मोड कैसे है? मान के रखो कोई स्टूडेंट आपके पास आता है और एडमिशन कराता है, तो अभी पैटर्न क्या है, किस मोड पे, लर्निंग मोड पे चल रहा है या फिर अपकमिंग क्या है? Yes. बेसिकली हम लोग और भी बहुत सारी प्लानिंग अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं मिलकर के सर, और डेफिनेटली क्योंकि चैलेंजेस जैसे कोविड का था तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो अब हमारे पास ये भी प्लेटफॉर्म हम लोगों ने जनरेट कर लिया है, तो हम लोग मैक्सिमम जितनी भी नॉलेज है उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जो लोग हमारे पास यहाँ पर फिजिकली क्लास नहीं ले पा रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसी पैटर्न और उसी स्टाइल में ये नॉलेज हम लोग शेयर कर रहे हैं जो हम लोग ऑफलाइन में प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप ये कह रहे हो कि जो बच्चे इनरोल्ड होंगे करियर कंपेरिंग में वो ऑफलाइन भी क्लास लेंगे, ऑनलाइन भी क्लास लेंगे, और क्या रिकॉर्डिंग भी की कोई फैसिलिटी है? यस सर, इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम सपोर्ट बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड किया है। मैक्सिमम सपोर्ट इन द सेंस जैसे कोई भी बच्चा हमारे साथ एंगेज होता है सर, तो इसके लिए डेमो क्लासेस तो होती हैं, हमारी क्लासेस हम लोग रेगुलर प्रोवाइड करते हैं। अब उस क्लासेस के साथ साथ उनको सपोर्ट भी दिया जाता है। सपोर्ट इन द सेंस जैसे कोई वीडियो रिकॉर्डेड वर्जन हमने दे दिया, या कोई बच्चे जैसे कई बार होता है कि हमारे पास वो क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं, हम कहते हैं कि ज्वाइन करने के बाद आपको कोई क्लास मिस नहीं करनी है, बट डेफिनेटली ये पॉसिबल कैसे होगा, इसके लिए हम लोग रिकॉर्डेड वर्जन भी अपने बच्चों को शेयर करते हैं ताकि किसी भी बच्चे का किसी भी दिन कोई लॉस ना हो। यस, बहुत अच्छा। तो आप ये मुझे बताओगे जो आज के समय में स्टूडेंट, आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं है ना, आप कंप्यूटर के टीचर हो, आप टीचरों को भी ट्रेन कर रहे हो, आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हो है ना, तो आप ये मुझे बताओगे कि मेन कॉमन प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स के बीच में? सर कॉमन प्रॉब्लम जो जनरली हम लोग फेस करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियली भी होती है और एक सही काउंसलिंग जो कभी उनको मिलती नहीं। ओके,
मैक्सिमम जितने भी गार्जियंस हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, गार्जियन भी अपना बहुत बेस्ट देते हैं अपने बच्चों को लेके, बट डेफिनेटली उनको भी नॉलेज इस लेवल की नहीं होती है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो बच्चा जनरली अपने फ्रेंड सर्कल के पास रहता है और फ्रेंड सर्कल जैसा उसको गाइड करता है बच्चा वैसा ही करता है। तो बच्चा इतना सीरियस नहीं होता है कि उसको फ्यूचर में क्या करना चाहिए और उससे उसको क्या बेनिफिट होगा। ओके, तो हमारे पास जो पैटर्न है सर, हम लोग बच्चे को कंप्लीटली गो थ्रू करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि बच्चे ने क्या स्टडी किया हुआ है अपनी लाइफ में, कितना उसने अचीव कर लिया है, और उसको काउंसिल के माध्यम से ही हम लोग वहां पर कंप्लीटली गाइड करते हैं कि स्टडी जो भी उन्होंने कंप्लीट की होगी उसके बाद उनको फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनके गोल्स हम लोग सेट करते हैं काउंसलिंग के ही माध्यम से, और उनको हम लोग प्रॉपर एक रोड मैप जो होता है लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी हेल्प से बच्चा हमारे साथ सर कनेक्ट होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। अब यार मुझे बताओगे जो स्टूडेंट्स के बीच में मेन कॉमन थ्रेड क्या है, डर अगर थ्रेड बोलो या फिर डर बोलो, मेन डर क्या है? स्टूडेंट आते हैं, आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो तो मेन चीज क्या देखते हो स्टूडेंट्स के बीच में, आप सबसे ज्यादा डर किस बात का रहता है बच्चों को? सबसे पहले तो देखिए ये एक होता है कि डेफिनेटली जब बच्चा अपनी फैमिली के परमिशन से किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन होता है तो सबसे पहला उनके माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या मैं सही हूँ इस डिसीजन के साथ। ओके, तो ये जो डिसीजन जो भी उन्होंने अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से लिया या फिर फ्रेंड्स के सपोर्ट से लिया, बच्चा ये कंफ्यूज रहता है कि मैं सही हूं या गलत हूं, राइट? इस डिसीजन को देखते हुए जो भी उसने प्लान किया था बट वो इतना 100% श्योर नहीं है उस चीज को लेके कि मैं सही हूं या गलत हूं, क्योंकि उसको बेस्ट काउंसलिंग नहीं मिलती करियर में, और करियर को आगे बढ़ाने के लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा जो पैटर्न है सर, हम लोग बच्चों को जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक प्रॉपर एक गाइडेंस देते हैं जिसमें कोर्स के साथ साथ ऐसी भी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है जो उनको करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करती है, साथ में उनको पूरा कोर्स कंटेंट हम लोग डिक्लेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि स्टार्टिंग में उनको क्या करना है, उसके बाद उनको क्या करना है, एंड लास्ट एंड उनका काम होगा। तो इसमें यह समझना होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो एनरोल करना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर, तो सबसे पहले उनको जरूरत है कि उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग दिया जाए, क्योंकि काउंसलिंग क्या इतना जरूरी है आप ये मान के रखो, जैसे आप बैंक जाते हो ना तो बैंक जाने के बाद आपकी केवाईसी होती है, नो योर कस्टमर, राइट? तो उसी तरह से अगर इंस्टीट्यूट कोई भी है अगर अपने स्टूडेंट को अच्छे से समझ पाए या पेरेंट्स ऐसे इंस्टीट्यूट में ले जाए जो बच्चों को समझा पाए या बच्चों को समझ पाए कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। कहा जाता है कि मछली को पेड़ पर कभी नहीं चढ़ा जाता है ना, बंदर को पेड़ पर चढ़ाया जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे का माइंडसेट क्या और स्किल सेट क्या है, क्योंकि मेन चीज होता है माइंडसेट, तब उसके बाद स्किल सेट। अगर उसका माइंडसेट उन चीजों के लेके है नहीं और आप उनको स्किल दिए जा रहे हो तो आप रॉन्ग पैटर्न पे जा रहे हो, बच्चा इससे फ्रस्ट्रेट होगा, वो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं करेगा। आई थिंक ये कहना चाहते हो। बिल्कुल। ओके, तो एक और क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे कि स्टूडेंट डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट करें, जैसे कि मेरे लिए राइट इंस्टीट्यूट है या मेरे लिए राइट टीचर है या नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह पे मैं देखता हूँ कोई स्टूडेंट भी पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ पर खैर एक्सपीरियंस टीचर सारे सारे होते हैं 10 साल 12 साल 15 साल प्लस, है ना? तो बाकी जगह पे ऐसा नहीं होता, मैं देखता हूँ कुछ लोग स्टूडेंट भी पढ़ाते हैं, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें स्टूडेंट्स? यस, तो सबसे पहले जब बच्चा फ्रेश माइंड से किसी इंस्टीट्यूट में जाता है तो फर्स्ट इंटरेक्शन उसका होता है फ्रंट डेस्क पर, इट मींस रिसेप्शन पर, जो उनको काउंसिल करता है। सेकंड थिंग, काउंसिल पे इतनी सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, बट डेफिनेटली बच्चों को अवेयर होना पड़ेगा। अगर उनको अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा परसेंट भी सीरियसनेस है तो डेफिनेटली उनको अवेयर होना पड़ेगा, जिसके लिए बच्चा कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में सेट कर सकता है जो काउंसलिंग टाइम पर पूछ सकते हैं, जैसे सिलेबस क्या होगा, प्रॉपर कंटेंट उनका क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सिलेबस में उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट? और क्योंकि वो जॉब के लिए सीख रहे हैं तो साथ में उनको एक एक्सपीरियंस टीचर मिलेगा, या कोई एक्स्ट्रा जो लर्नर होते हैं जिनको हम लोग फ्रेशर बोलते हैं सर, तो कहीं उनको मैक्सिमम जो लोकल इंस्टीट्यूट है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा आपके चैनल पर, बट मैक्सिमम जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इन्हीं लेवल पर बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है।
बच्चे उन लोगों के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं जिनको सही से प्रॉपर वे में नॉलेज नहीं होती, राइट? अब यहां पर जिसको नॉलेज ही नहीं है तो डेफिनेटली उसको बच्चे के साथ एंगेज करने का कोई फायदा नहीं होगा। और ये चीजें बहुत बड़े लेवल पर होती हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे बच्चे को भी कि यहां पर बच्चे अपने टीचर्स को लेकर के, या हो सके तो काउंसलिंग टाइम पे ही वो अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करें अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं। ज्वाइन करने से पहले ये जरूरी है कि आप टीचर से भी कनेक्ट करें और साथ ही में उनके एक्सपीरियंस को लेकर के भी थोड़ा सा अपने माइंड में कुछ चीजें रखें, ताकि वहां पर आपको ये निगलेट ना हो कि हम जिससे पढ़ रहे हैं वो टीचर कोई फ्रेशर है या फिर कोई लर्नर है। तो इसमें ओवरऑल जो मुझे समझ में आया, ओवरऑल ये बात है कि जब भी आप, अगर आप पेरेंट्स हो या फिर आप स्टूडेंट हो, तो जब भी आप वहां पर जाते हो कोई भी कोर्स करनी है, तो सबसे पहले अपने आप को देखना है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप लाइफ में करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा स्किल सेट सीखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहां पे आपको स्किल सीखना है, सीखा कौन रहा है, उसकी योग्यता क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, राइट। दूसरा, वहां पे कौन कौन से ऐसे बच्चे जो एनरोल थे और कर चुके और आज अच्छा कर रहे हैं, या उसका टेस्टिमोनियल हो वीडियो फॉर्मेट में या किसी के फॉर्मेट में, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि नहीं, रियल में ये कोर्स बच्चा कर चुका है, उनका ये चीजें हैं। ओके, तो इस तरह से आप बातें कर सकते हो। तो आई थिंक लगता है कि अब 100% तो नहीं, बट आप कुछ हद तक ये चीजों का एलिमिनेट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सही है ये नहीं है, क्योंकि जो दौर आज का समय जो चला है वो मैनिपुलेशन का है। मैनिपुलेशन दिस फॉर्म की वीडियोस बनाकर या फिर लोगों को बुलाकर, रियल और समथिंग जो आपको देखना, आपको बात करने से पता चल पाएगा कि जो काउंसलिंग दे रहा है आपको, किस तरह से काउंसलिंग दे रहा, जो टीचर आपसे बात कर रहे हैं, किस वे में बात कर रहे हैं, आपको बात करने के अंदाज से पता चल पाएगा कि वो टीचर कितने एक्सपीरियंस है। साथ में अगर कोई उनको रैंडम क्लासेस हुई है, तो जो स्टूडेंट वहां से पढ़ चुके हैं उस सेक्शन को लेकर, उनसे आप बात कर सकते हैं, तो इससे आपको पता चल पाएगा, राइट। ओके, तो समरी में आप कुछ कहना चाहेंगे सर आप? यस सर, सो एंड ऑफ दिस सेशन, सो आई वांट द सजेस्ट टू द एवरी वन, बिकॉज मैक्सिमम जो भी पढ़ाई होती है वो हमारे करियर में बहुत बेनिफिट देती है और बहुत सक्सेस प्रोवाइड करती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये टेक्निकल स्किल्स हैं, तो इन टेक्निकल स्किल्स के लिए थोड़ा सा अवेयर होना आपको भी पड़ेगा, और इसके लिए सही टाइम पर सही डिसीजन भी बहुत जरूरी है, राइट? जी ठीक है, आई थिंक आपने मनीष सर को अच्छे से समझा सुना, और आपने भी थोड़ा सा अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड किया कि कैसे काउंसलिंग लेनी है, कैसे आपकी इंक्वायरी लेनी है, और आपका माइंडसेट या स्किल सेट क्या होना चाहिए, या फिर आप कहीं जा रहे हो तब किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।